नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इसको लेकर सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6,908 रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसमें से 25% राशि नगद भुगतान की जाएगी और बची हुई 75% राशि पीएफ खाते में जोड़ दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते यानी पीएफ अकाउंट नहीं है, उन्हें बोनस के पैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले में राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभावित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक समेत अन्य कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। हालांकि जिन कर्मचारियों पर 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक केस दर्ज हुआ है, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।